नवाज शरीफ जुडिशियल एकेडमी पहुंच गए हैं, इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे जमीर अली से। जमीर, इस वक्त जुडिशियल एकेडमी के क्या मनाजिर हैं? वजीर आजम नवाज शरीफ पहुंच गए हैं JIT, खताब करें वजीर आजम और उसके बाद फिर उनकी रवानगी हो जाएगी। जी जमीर अली, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जमीर अली, बताइएगा इस वक्त जुडिशियल एकेडमी के क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? वजीर आजम नवाज शरीफ की आमद को लेकर बताइएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं इस वक्त JIT JIT के सामने पेश होने के लिए, जुडिशियल एकेडमी पहुंच चुके हैं। इस वक्त वजीर आजम जो है वो अपनी निजी गाड़ी में अकेले ही जुडिशियल एकेडमी पहुंचे हैं। इस हवाले से जो वजीर आजम का बाबता प्रोटोकॉल होता है वो उनके हमरा नहीं था काम, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम किए गए थे, भारी सिक्योरिटी जो है तैनात की गई थी वजीर आजम के साथ। इस हवाले से वजीर आजम की जो गाड़ी थी वो जैसे ही जुडिशियल एकेडमी पहुंची तो उसके साथ साथ वजीर आजम के साथ आने वाले मखसूस साथियों के खिलाफ साथी बरादरी की जानब से शदीद एहतजाज किया गया, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई साथियों के साथियों की जानब से, जिसके बाद जो इंतजामिया थी उनका ये कहना था कि उन साथियों को भी बाहर निकाला जाएगा। जबकि वजीर आजम के जो मामले खसूसी हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी वो भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं और वो साथियों से इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि मखसूस साथियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस हवाले से वजीर आजम इस वक्त जो है वो जुडिशियल एकेडमी पहुंच चुके हैं, JIT के सामने रुख पेश होने के हवाले से उसकी जो गाड़ी थी वजीर आजम की वो सीधी जुडिशियल एकेडमी के अंदर जाकर रोकी गई। इससे पहले हमने देखा था कि जब हसन नवाज और हुसैन नवाज पेश होते थे तो उनकी गाड़ी बाहर रुकती थी और वो मीडिया को हाथ हिलाकर जवाब देने के बाद अंदर जाते थे। तहम आज जब वजीर आजम की गाड़ी आई थी तो वजीर आजम सीधी वजीर आजम की जो गाड़ी थी वो जाकर जुडिशियल एकेडमी की जो बिल्डिंग है उसके अंदर चली गई और इस हवाले से जो डॉक्टर आसिफ किरमानी उनके हमरा आए थे उन्होंने बाहर उतर कर वो मीडिया के पास आ गए। जी सही जमीर, आपने बताया कि वजीर आजम निजी गाड़ी में अकेले ही जुडिशियल एकेडमी गए हैं, ये वाजे हो सका है कि उनकी गाड़ी में कोई और नहीं है, वजीर आजम अकेले ही हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो वजीर आजम हाउस के जरा हैं उनका ये कहना है कि वजीर आजम हाउस से अकेले ही रवाना हुए थे, उनके साथ उनके जो मुशीर खास हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी वो भी उनके हमराह साम। डॉक्टर आसिफ किरमानी जो है वो जुडिशियल एकेडमी का जो गेट है उसके बाहर ही उतर गए थे, जबकि वजीर आजम जो है वो खुद अपनी गाड़ी में सीधे अंदर चले गए हैं जुडिशियल एकेडमी के अंदर। इस वक्त वजीर आजम हाउस जो है वो जुडिशियल एकेडमी में पहुंच चुके हैं। इस वक्त अब उनको जो नो जुडिशियल एकेडमी का जो स्टाफ है उनकी जाने से रिसीव करके उनको वेटिंग रूम तक ले जाया गया और अब से कुछ देर बाद उनको जुडिशियल एकेडमी के जो JIT के जो मेम्बरान हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। इस हवाले से जुडिशियल एकेडमी के इतराफ सिक्योरिटी के भारी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से वजीर आजम जो है यहाँ जब पहुंचे थे तो वो अकेले ही पहुंचे थे, उनके हमरा सिक्योरिटी नहीं थी, उनके हमरा प्रोटोकॉल नहीं था, वो जाती हैसियत में जुडिशियल एकेडमी पेश हुए। इस हवाले से वो अपने हमरा सिक्योरिटी स्टाफ नहीं लाए, जो खासतौर पर PM की सिक्योरिटी थी वो नहीं आई, कहाँ वजीर आजम के साथ सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम मौजूद थे, भारी सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद थी जिनको जैसे वजीर आजम यहाँ पहुंचे थे तो उसके साथ साथ उनको उससे जुडिशियल एकेडमी से पहले ही रोक दिया गया था। इस हवाले से वजीर आजम के हमरा उनके जो मुशीर हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी वो उनके हमरा आए थे और उनको भी जुडिशियल एकेडमी के बाहर ही उतार दिया गया था। इस हवाले से वजीर आजम जिस गाड़ी में जुडिशियल एकेडमी के अंदर गए थे वो उस गाड़ी वजीर आजम को उतारने के बाद वहां से वापस रवाना हो चुकी है। जमीर, आप बता रहे थे।